हेलो माय डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन में आप ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन का ये बेसिक फार्मूला है, इसको आपको लर्न करना है आगे पढ़ाई के लिए। तो x की पावर n का इंटीग्रेशन, यहाँ पावर n है तो n में एक जुड़ेगा, n प्लस वन, जितना घात है उतना यहाँ डिवाइड हो जाएगा और एक कांस्टेंट हो जाएगा। वन का इंटीग्रेशन x होगा, वन बाई x का इंटीग्रेशन log मॉडुलस x होगा। लॉग कभी जो है नेगेटिव में नहीं होता, इसलिए मॉडुलस लगा दिया गया है। एक्सपोनेंशियल e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x log a होगा। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, कॉस x का इंटीग्रेशन जो है ये क्या होता है, साइन x होता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो है इंटीग्रेशन जो है वो क्या है, डिफरेंशिएशन का उल्टा है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता था, लेकिन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता था। यहाँ देखिए, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, कॉसेक एक्स टेन एक्स का कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस एक्स, सेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। और ये है इनवर्स वाले इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, माइनस अगर है तो कॉस इनवर्स हो जाएगा। वन बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर वन बाई ए कॉट इनवर्स एक्स बाई ए। ध्यान दीजिएगा, टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स में केवल डिफरेंस यही है, यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में डिफरेंस यहाँ है, यहाँ माइनस है तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, यहाँ अगर प्लस है तो साइन इनवर्स बन जाएगा। सेक इनवर्स में आएगा एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, वन बाई ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए। कॉसेक इनवर्स में आएगा आगे माइनस वन अपॉन एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वन बाई ए कॉसेक इनवर्स एक्स बाई ए। डेफिनेट इंटीग्रेशन की कुछ आपको प्रॉपर्टी देखना पड़ेगा। ए से बी इंटीग्रेशन है, एफ एक्स है, तो लिमिट को क्या कर देंगे, बदल देंगे, ए ऊपर कर देंगे बी इधर कर देंगे, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ लिमिट है ए से बी, एफ एक्स है, तो यहाँ ए से सी चलेगा, सी से बी चलेगा, ये दोनों लिमिट क्या है, सेम है। मतलब एक लिमिट को हम, एक लोअर लिमिट है एक अपर लिमिट है, इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं सी में, लेकिन ए और बी की वैल्यू सी के बीच में आना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी लिख देंगे। ये प्रॉपर्टी है, ए प्लस बी इंटीग्रेशन एफ एक्स है, तो ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इन दोनों का सम, ए प्लस बी माइनस एक्स, इन दोनों लिमिट का सम करेंगे और एक्स में से माइनस कर देंगे। यहाँ जीरो से ए लिखा हुआ है तो एफ एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एफ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ क्या लिख देंगे, ए माइनस एक्स, जीरो से ए है ए माइनस एक्स। जीरो से टू ए लिखा हुआ है तो इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, जीरो से ए टू ए माइनस एक्स। अब ये आपको समझना है, जीरो से टू ए है तो ये वैल्यू टू टाइम्स हो जाएगी, यहाँ टू ए में एक डिवाइड हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये इवन आर्ट की प्रॉपर्टी इसमें लगेगी, ये थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर टू ए माइनस ए एक्स, टू ए माइनस ए एक्स, ध्यान दीजिएगा जहाँ हमारा फिंगर रखा हुआ है, टू ए माइनस ए अगर एफ एक्स मिला तो आपका ये टू टाइम्स होगा, और टू ए माइनस एक्स अगर माइनस मिला तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन आपका जीरो हो जाएगा। अब इसमें इवन आर्ट वाली प्रॉपर्टी देखिए, अगर लिमिट माइनस ए से प्लस ए है, माइनस ए से प्लस ए है तो टू टाइम्स हो जाएगा, यहाँ लिमिट जो है यहाँ जीरो से जीरो, ए माइनस ए से प्लस ए है, ख़त्म हो जाएगा और जीरो से ए चल जाएगा। ये कब होगा, जब फंक्शन हमारा इवन फंक्शन होगा, एफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन है, और ये लिमिट आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा जब आपका फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। तो अगर ऑड है तो इंटीग्रेशन जीरो मिलेगा, इवन है तो इंटीग्रेशन क्या मिलेगा,
टू टाइम्स जीरो से ए, जीरो से ए होगा। ये कब पॉसिबल है? जब इंटीग्रेशन माइनस ए से प्लस ए हो, माइनस ए से प्लस ए। ये जो मैंने घेरा है ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है, कहीं भी आपके सामने आ सकता है। जीरो से पाई बाई टू साइन की पावर एन एक्स है, तो एन माइनस वन इंटू एन माइनस थ्री अपॉन एन एन माइनस टू एन माइनस फोर डैश 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 इफ़ एन इवन, मतलब एन क्या हो, इवन हो, या अगर एन ऑड होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर एन ऑड हो, एन अगर ऑड होगा तो यहाँ पाई बाई टू नहीं होगा, एन अगर इवन है, ध्यान दीजिएगा, इफ़ एन इवन है तो यहाँ पाई बाई टू लास्ट में लगेगा, अगर एन ऑड है तो पाई बाई टू नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। देखिए दोनों में, दोनों वही लिखा हुआ है, एन माइनस वन एन माइनस थ्री एन इंटू एन माइनस टू एन माइनस फोर एन इंटू एन माइनस फोर, ये पाई बाई टू पर जाके ख़त्म हुआ है तो एन का मान इवन होगा, और पाई बाई टू पर नहीं ख़त्म हुआ है तो इसका मतलब एन जो है ऑड होगा। आप पावर एन से आप देख लीजिएगा, अगर पावर इवन लिखी हुई है तो पाई बाई टू पर जाके ख़त्म होगा, अगर यहाँ पावर ऑड लिखी हुई है तो पाई बाई टू पर जाके नहीं ख़त्म होगा, पाई बाई टू आएगा ही नहीं।